हाय, दिस इज मनी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको क्लीन एंड क्लियर बताया था लास्ट वीडियो में कि निफ्टी जो है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है और नीचे की तरफ एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। आज काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिली और वापस फॉल कंटिन्यू हुआ और नीचे की तरफ हमें एक्सपायरी देखने को मिली है। मैंने आपको बोला था नीचे की तरफ हमें एक्सपायरी देखने को मिल सकती है 11550 11600 के अराउंड, लेकिन 11650 के आसपास एक्सपायरी हुई है। थोड़ा सा मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर की तरफ एक्सपायरी हुई है, लेकिन अभी भी व्यू जो है वो बेरिश ही है, क्योंकि अगर आप देखो ये लगातार ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। सो अभी भी व्यू जो है वो बेरिश ही है। 11,750 11,720 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक निफ्टी के गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नीचे में 11,600 अगर टूटता है तो 11,400 तक भी आ सकता है। 11,400 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। कोई भी उछाल आता है आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। 11,720 11,750 के आसपास कोई भी बाउंस आता है काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना और शॉर्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो क्लीन एंड क्लियर लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते जा रहा है और डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में यहाँ से 23,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो कोई भी बाउंस आता है 24,100-24,200 के आसपास काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा। 24,300 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए और 23,000 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स, कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा मैकडॉवेल। मैकडॉवेल का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी वीक लग रहा है, ये लगातार लास्ट तीन चार दिन से गिरते जा रहा है। आप देख सकते हो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना है और मुझे लगता है ये लेवल जो है यहाँ तक ये टेस्ट कर सकता है 495 तक। तो यहाँ से 7-8 रुपये के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एज ए इंट्राडे ट्रेडर। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का भी चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफी वीक लग रहा है। क्लीन एंड क्लियर ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्मेशन बना लिया इसने और मुझे लगता है अगर यहाँ से फॉलो थ्रू सेलिंग आता है तो 470-480 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो एक्सिस बैंक काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छा हैमर फॉर्मेशन किया है इसने। बेरिश मार्केट में भी इसने काफ़ी अच्छा कैंडल फॉर्म किया है और आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर इसने हायर लो बनाया है। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर फॉलो थ्रू बाइंग आता है 300 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन बंधन बैंक का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।